हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि जो आप सुपरमार्केट यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर, जनरल स्टोर, तो ये सारी चीजें इनको बोलते हैं, इसमें आपको कैसे अपना काम करना है, कैसे अपनी एंट्रीज करनी है। तो ये हम स्क्रैच से समझेंगे, जिसमें हम जो है आइटम बनाना सीखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डालना सीखेंगे, इसका परचेज एंट्री कैसे करते हैं वो सीखेंगे, उसके बाद सेल एंट्री, फिर उसके बाद अकाउंटिंग में जिसको जिससे भी हमने परचेज किया उसके अकाउंट का बैलेंस क्या है, और हम जो सेल करते हैं जैसे ग्रोसरी में उधारी में भी सेल होती है, कैश में भी सेल होती है, उसके बाद पेटीएम फ़ोनपे को कैसे मैनेज करेंगे, और फिर रिपोर्ट्स को हम कैसे जनरेट करेंगे, फिर हम सेल रिटर्न परचेज रिटर्न कैसे करें, और जीएसटी रिपोर्ट से रिलेटेड जो हम डेटा फाइल देते हैं अपने सी अकाउंटेंट को तो वो कैसे देंगे। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में और जाने कंप्लीट कि कैसे आपको जो है अपना सुपर मार्केट की जितनी भी जो एंट्री होती है वो कैसे सॉफ्टवेयर में करनी है और कैसे उसको रन करना है। तो बने रहे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे। पेड सर्विसेज लेनी है सॉफ्टवेयर की या बाय करना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बन रखी है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड मार सॉफ्टवेयर वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं जहां तक अभी हम हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये अब आपको समझना है। तो सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन आपको समझना है वो ये समझना है कि ये पूरे सॉफ्टवेयर में जो चीजें दिखाई दे रही है आपको, कौन सी चीजें क्या वर्क करती है, कैसे क्या काम है, तो मैं इन सब के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं राइट की तरफ। तो राइट में जो ये आप देख पा रहे हैं ये आपका साइड डैशबोर्ड बोलते हैं इसको, और इसमें क्या होता है कि जो भी डेली आप सेल कर रहे हैं, जो भी परचेज कर रहे हैं, यानी कि टिल आज तक की रिपोर्ट जो है, मतलब टुडे की रिपोर्ट यहाँ पर है, आपको बार बार सेल एंट्री परचेज एंट्री की रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे पता लग जाएगा कि अभी आपकी कितनी सेल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एंट्रीज भी करी है एग्जाम्पल्स के लिए कि आपको पता लग जाए कि आज जैसे कि ये जो 3/11 तक की रिपोर्ट को अपडेट कर रहा है तो यहाँ पे देखिए 5 बिल जनरेट हुए हैं और 15,113 रुपये का इसमें बिल जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो ये साइड डैशबोर्ड है, इसमें ऐसे ही स्टॉक का वैल्यूएशन क्या चल रहा है, बैंक कैश क्या चल रहा है, उधारी क्या चल रही है आपकी, तो यहीं पे ये दिखता रहता है जिससे आप ओवरऑल रिपोर्ट को बाहर ही देख सकते हैं आपकी क्या चल रहा है हिसाब किताब हमारा पूरा। और उसके बाद फिर ये है शॉर्टकट बटन्स जो आप ये देख पा रहे हैं, और ये कस्टमाइजेबल बटन्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये सेल बिल एंट्री की जगह पे सेल एंट्री लिखना, या फिर यहाँ पे मेरे को कुछ और बटन लगाना है, तो जो रेगुलर बेसिस पे आपके यूज हो रहा है वो बटन आप चाहें तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। कैसे करना है ये भी हम इसी जो कोर्स चल रहा है अभी आपका ये इसी में हम रनिंग में देखते हुए जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है दोस्तों आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं ऊपर की साइड में, मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ, सब मेनूज बोल रहे हैं इसको, बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि आप 24/7 सपोर्ट, यानी कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक ट्यूटोरियल वेबसाइट है जहाँ पे आप टाइपिंग करके अपने आंसर को ले सकते हैं। और उसके बाद जो है टिकटिंग सिस्टम है ये कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है तो आप इस पे क्लिक करके टिकट जनरेट कर सकते हैं ताकि मैनुअली फिर आगे से कोई आपको कॉन्टैक्ट करे, आपको कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये रिमोट है, मान लो कोई भी अगर आपने टिकट जनरेट किया और कोई भी अगर आप बोलता है आपको कि आप मुझे रिमोट पे अपना सिस्टम दिखा दो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। उसके बाद जो है कंपनी हर महीने शेड्यूल्ड कर देती है ट्रेनिंग को कि कौन सी डेट पे कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहती है, तो वो आप पहले ही देख सकते हैं क्या क्या शेड्यूल्ड है पहले से आपका इसमें। और उसके बाद जो है सर्च मेनू, कोई ऐसी एंट्री आप ढूंढ रहे हैं जो नहीं मिल रही आपको तो आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद ये डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं क्या सेल क्या परचेज, पूरी डीप रिपोर्ट देख सकते हैं इस पे आप वन डिस्प्ले पे। और उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या है, जो भी आप एंट्री कर रहे हैं वो हिस्ट्री एज ए हिस्ट्री यहाँ पे शो होता रहेगा आपको हिस्ट्री की तरह, और कौन सी कंपनी है आपकी, कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। देखिए जैसे अभी हम सुपर डेमो सुपर मार्केट कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका एड्रेस, जीएसटी, फाइनेंशियल ईयर सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और जो बीच साइड में आप देख पा रहे हैं ये जो है जो भी करंट कंपनी का अपडेट होता है, करंट कोई भी चीज इसमें है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको शो होता है।
और सबसे ऊपर जो देख रहे हैं, जो आपकी प्राइमरी चीज है वो है ये मेनू। इसी मेनू के अंदर आपको जो है सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये है इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू। अब हम समझते हैं सबसे पहले आपको क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले आपको सीखना चाहिए आइटम मास्टर के बारे में, क्योंकि आइटम ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आपको जाना है आइटम मास्टर में, तो इसके लिए सबसे पहला मेनू जो आप देख रहे हैं मास्टर का। अब इस मास्टर के मेनू पे जा, इसके दो ऑप्शन है मैं बता दूं आपको। पहला ऑप्शन तो यही है, मास्टर के मेनू में आप जाएं और इन्वेंटरी मास्टर और आइटम मास्टर पे आप क्लिक कर दें। तो पहला ऑप्शन तो ये है आइटम मास्टर तक पहुंचने का। दूसरा ऑप्शन है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई करेंगे, और यदि आप भूल भी जाते हैं तो एक बार नीचे की साइड में आप देख सकते हैं, जैसे कि जिसको मैंने अभी मार्क किया हुआ है, कंट्रोल प्लस आई आइटम लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस आई किया और मैं आइटम मास्टर में आ गया। इस तरीके से आप आइटम मास्टर में आ सकते हैं, जिसमें दो ऑप्शन है आपके पास, जो आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैं आइटम मास्टर में आया तो आपको एक पॉपअप दिखाई दे रहा है, प्लीज यूज की करके जो लिखा हुआ है। F2 क्रिएट न्यू, F3 मॉडिफाई, और डिलीट के लिए डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें मुझे जो है नया आइटम बनाना है, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से F2 करूंगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जितने भी लेटेस्ट लैपटॉप हैं, जितने भी लेटेस्ट कीबोर्ड हैं, तो उसके अंदर जो है ना किसी किसी में F2 डायरेक्टली यूज नहीं होता, FN के साथ यूज होता है। और FN का बटन कहाँ मिलेगा आपको? FN का बटन आपको कंट्रोल के जो है ना राइट साइड में मिल सकता है, या फिर स्पेस के लेफ्ट साइड में मिल सकता है। उस पर लिखा लेकिन FN ही होगा, ये नहीं है कि नाम चेंज होगा उसका, FN लिखा होगा। पहले आप F2 ट्राई करें, अगर F2 से काम नहीं हो रहा आपका तो FN F2 करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे, मेरे पास जो है लेटेस्ट कीबोर्ड है, तो मैंने FN F2 किया डायरेक्ट। अब जैसे ही मैंने इसको F2 किया, तो F2 से जो है यहाँ ऊपर देखेंगे तो न्यू प्रोडक्ट की एंट्री अब ये होने जा रही है। आप ये देख पा रहे होंगे न्यू प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट का आपको नाम डालना है। मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए पार्ले जी डाल दिया यहाँ पे। अगर ये भी डालना हो कौन सा पार्ले जी, तो मैंने यहाँ डाल दिया 5 MRP। उसके बाद एंटर करेंगे। अब इसका जो भी बारकोड है, बारकोड इस तरीके से डाल सकते हैं, मतलब मैंने तो मैन्युअली डाला है, आप स्कैन कर सकते हैं सीधा, वो टाइप हो जाएगा इसमें। और उसके बाद फिर आप एंटर करेंगे और ये डिफॉल्ट रहने देंगे, जो जनरेट लिखा हुआ है ये डिफॉल्ट रहेगा। और ये आपका पीसेस रहेगा, पीसेस मतलब यूनिट, मतलब कि पार्ले जी पीसेस में ही बेचेंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी भी आइटम है जहाँ पे आपको पीसेस हटा के सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको केजी करना पड़ेगा, जैसे जो आपका एलमोंड या फिर जो भी आटा चावल दाल जो भी लूज आइटम है उसको आप क्या है केजी काउंटेबिलिटी रखेंगे उसकी यूनिट की। तो जैसे कि मेरा ये पार्ले जी है, तो मैंने इसको पीसेस किया, और डेसिमल को यहाँ पे 9 रखना है इस केस में। तो जो पीसेस वाले आइटम है जिसको आपको लूज देना है, जैसे केजी में लूज देना होता है कि किसी को 250 ग्राम, 300, 400 ऐसे, तो उस केस में आपको जो है ये जो डेसिमल आप देख रहे हैं उस केस में आपको यस करना है उस केस में। और यदि नहीं है तो फिर ये 9 पे ही रहेगा आपका। फास्ट सर्च में आप जो है आप इस तरीके से लगा सकते हैं, मान लो मैंने PG5 लिख दिया तब भी आ जाएगी आइटम मेरा। तो इस तरीके से आप फास्ट सर्च लगा सकते हैं। बाकी इससे एडवांस ऑप्शन भी अब सॉफ्टवेयर में आ गए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे वो करना है। अब देखिए कलर टाइप है, कलर टाइप में आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल ही रखना है। और आइटम टाइप में भी आपको नॉर्मल रखना है। अगर आप चाहें तो कुछ आइटम ऐसे होते हैं कॉस्टली, तो कॉस्टली पे क्लिक कर सकते हैं आप। और यदि कुछ आइटम ऐसे है जो फ्रिज में रखना है आपको, स्टोर करना है स्टोरेज के अंदर, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये कलर टाइप तो क्या है, इसमें आप जैसे कुछ वेज के आइटम, नॉन वेज के आइटम, ग्रीन रेड इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो कोई और खास यूज नहीं है इसका, नॉर्मली आप रखते हैं इसको। अब जैसे कि ये कंपनी जो है पार्ले के नाम से कंपनी है, लेकिन यहाँ पे नया सा है, तो ये जितनी भी जो डिटेल्स आ रही है ये सारी डिटेल उस चीज की है जो लास्ट टाइम हमने आइटम को बनाया था, जो लास्ट आइटम हमने बनाया था, ठीक है। तो अब जैसे कि अब हम चाहते हैं कि हम इसमें अपनी कंपनी डालना आइटम की, तो आपके पास दो ऑप्शन है इसके लिए भी। जैसे कर्जर आपका इस पे है तो आप कीबोर्ड से N का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। N का मतलब है सिंपल N, कोई FN या कोई कंट्रोल कोई अल्ट कुछ नहीं, डायरेक्टली जो अल्फाबेटिक होते हैं N उसको प्रेस करना है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि आप माउस से नो पे क्लिक कर दो। अब जैसे देखिए मैंने नो पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप विंडो मिल गया कंपनी का, यानी कि आइटम की कंपनी का पॉपअप विंडो।
अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर सर्च करना है तो ये देखिए यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है नया सा, तो मुझे पहले बैक स्पेस करना पड़ेगा। देखिए मैंने बैक स्पेस किया, हट गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ले, तो देखो पार्ले कंपनी जो बनी हुई है, पार्ले एग्रो। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए कि अगर ये नहीं बनी होती तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको F2 करना है। मान लीजिए मैंने F2 किया और यहाँ पे बना दिया पार्ले न्यू कॉम, और उसके बाद एंटर 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 करके आपको सेव कर देना है। जैसे आपने यस किया उसके बाद आपको एस्केप करना है, और देखिए ये आ गया पार्ले न्यू कॉम जो अभी हमने रिसेंटली बनाया, तो मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद फिर ऐसे ही ग्रुप आप बना सकते हैं यहाँ पे, तो मैं ग्रुप पे भी क्या है कीबोर्ड से N का बटन प्रेस कर दूंगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रुप्स बने हुए हैं, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ग्रुप में मुझे क्या बनाना है, तो ऐसे ही आप ग्रुप बना सकते हैं कि ये पापड़ है, बिस्किट है, क्या है, ये राइस है, साल्ट है, तो ये सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आपको जो लगता है वैसे ही ग्रुप क्या है बना सकते हैं। मान लो मैं ग्रुप बनाता हूँ बिस्किट का, तो देखिए यहाँ पे बिस्कुट पहले से ही बना हुआ है। और अगर नहीं बना होता तो मैं क्या करता, F2 करके और यहाँ पे टाइप करके बना लेता अगर नहीं बना होता तो। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ऐसे ही कैटेगरी है, तो कैटेगरी पे भी N का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए इस तरह से कैटेगरी बनी हुई है सारी की सारी। अब इसमें भी बिस्किट के नाम से कैटेगरी होनी चाहिए, नहीं है, तो मैं इस पे F2 करता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे फूड के नाम से बना लिया, और फूड ऑलरेडी इसमें है, तो मैं यहाँ पे फूड सर्च करता हूँ, तो फूड है, तो मैंने फूड में डाल दिया इसको। उसके बाद ऐसे ही HSN कोड है, अब मैं यहाँ पे भी N का बटन प्रेस करता हूँ, सारे HSN कोड मिल जाता है। अब ये HSN कोड क्या है कि हर एक प्रोडक्ट का जो है गवर्नमेंट ने एक नंबर डिफाइन किया हुआ है, और उस नंबर के ऊपर उसका टैक्स है। जैसे कि ये 3923 है, इसके ऊपर 12% का टैक्स है, तो ये एक HSN कोड है। अब ये देखिए, अब मैं सिर्फ एंटर एंटर कर रहा हूँ, अपने आप ही ये जो है HSN के अकॉर्डिंग टैक्स लग गया। अब MRP में मैंने MRP डाल दिया, और पी रेट का मतलब है कि कितने रुपए की खरीद आती है, तो मैंने डाल दिया 2.80 रुपए। कॉस्टिंग जो है जब हम परचेज चढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक कॉस्टिंग यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगी। और उसके बाद रेट है आपका सेल रेट है, मान लो मेरे को 5 रुपए में ही सेल करना है, क्योंकि सुपर मार्केट में ऑलमोस्ट सारा का सारा काम क्या है MRP वाइज ही होता है। अब ऐसे ही जो है आप जैसे रेट ए रखा है, BC अगर इसमें भी अलग अलग रेट रखना चाहें तो रख सकते हैं आप, कि मेरे को इतने का भी सेल करना है इतने का भी, तो डल सकते हैं, लेकिन यूजली जो है एक ही रेट सेल होता है MRP। अब यहाँ पे क्या है, एक CONV मतलब है कन्वर्जन बॉक्स, ये आपके उस केस में ही यूज होगा अगर आप कोई लूज क्वांटिटी भी सेल कर रहे हैं और पूरा बॉक्स भी सेल कर रहे हैं, तो जब ही उस केस में यूज होगा, नहीं तो आप इसको क्या है 0 ही रखें। और मेरा सजेशन ये है कि आप सिंगल यूनिट में ही अगर सेल करते हैं तो प्रॉपर स्टॉक का बैलेंस आपको दिखेगा, प्रॉपर उसकी वैल्यूएशन दिखेगी, प्रॉपर उसकी सारी चीजों को मेंटेन कर पाओगे। जहां पे मल्टी यूनिट का पार्ट आ जाता है, कहीं ना कहीं आपको जो है ना स्टॉक में कॉम्प्रोमाइज करने को मिल जाता है, तो आप सिंगल यूनिट से ही मेंटेन करेंगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे अब ये है डिफॉल्ट, DEF का मतलब है डिफॉल्ट सेल क्वांटिटी। कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि आपको कंपलसरी होता है कि नहीं मिनिमम 500 देना ही पड़ेगा आपको, ये उस चीज के लिए है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, लेकिन जब मैं इस आइटम को सेल करूंगा तो ऑटोमेटिक वहाँ 5 क्वांटिटी अपने आप ही फिल हो जाएगी, जिससे मुझे ये ध्यान रहेगा कि ये मैं 5 से नीचे नहीं बेच सकता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिनका कुछ जोड़ा होता है, कि अगर आपने 2 किसी को सेल कर दिया तो वो 3 बिकने के नहीं है आपके, तो ऐसा होता है, तो 5 ही वो बेच सकते हैं, तो उस तरीके के लिए जो है आप ये डाल सकते हैं क्वांटिटी। और ये है नेगेटिव, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉक नेगेटिव में ना जाए तो इसे यस कर दो, और आप चाहते हो कि नॉर्मली रहे तो आप इसे नो। अब ये नेगेटिव क्या है मतलब मैं बता देता हूँ, जैसे जब भी हम सेल करते हैं अगर उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है मेरे पास, स्टॉक उसका 0 है और मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, तो सेल कर सकता हूँ नो की कंडीशन में। अगर मैंने यस किया है तो उसका पहले मुझे स्टॉक डालना पड़ेगा, तब जाके मैं उसे सेल कर सकता हूँ। उसके बाद जो है मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी में जो है आपको मतलब ये मेंशन करना है कि मेरे पास स्टोर में कम से कम कितना होना चाहिए, ताकि मैं वेंडर को ऑर्डर दे सकूं, जितने मेरे पास कम हो जाए उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने डाल दिया मिनिमम 15 होने चाहिए, मैक्सिमम 25। रीऑर्डर ये ऑटोमेटिक बेस पे काम करता है। अगर मैंने डाल दिया कि 80 क्वांटिटी मुझे हर 7 दिन के लिए चाहिए, तो फिर हर हफ्ते मेरे को 80 क्वांटिटी का स्टॉक रखना पड़ेगा। उसके बाद ये आइटम डिस्काउंट जो ऑटोमेटिक मैं डिफाइन चाहता हूँ, मैंने ये कर दिया कि इस आइटम पे मुझे 8% का डिस्काउंट देना है, तो ये पहला डिस्काउंट है। ऐसे ही दूसरा डिस्काउंट है,
यूजली जो ज्यादा यूज होता है वो ये एक ही यूज होता है, ये दूसरा जो यूज होता है वो होलसेलर वाले यूज करते हैं, रिटेल में आपके यूज नहीं होगा ये। उसके बाद डिस्काउंट एप्लीकेबल रखना है या नहीं तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट में जो है कंडीशंस आप लगा सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं कोई अगर लेता है तो मैं स्पेशल डिस्काउंट मैंने रखा है 12% का, और इसके आगे ही कंडीशन है कि ये 12% जब अप्लाई होगी जब कोई मेरे से 90 क्वांटिटी खरीदेगा। अगर किसी ने मेरे से 89 क्वांटिटी भी खरीदी तो 12% का ये स्पेशल डिस्काउंट नहीं लगेगा। अगर कोई मेरे से 100 क्वांटिटी परचेज करता है तब ये अप्लाई हो जाएगा, या 91 या 90 लेता है तो जब भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है मैक्सिमम डिस्काउंट। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने डिस्काउंट उनमें 8 डाल दिया, फिर यहाँ 12 डाल दिया, और फिर मैं बिलिंग कर रहा हूँ, बिलिंग के समय मैंने कुछ और डाल दिया, तो मैं यहाँ पे अपनी लिमिट सेट कर सकता हूँ कि मेरे को जो है 15% से ऊपर डिस्काउंट नहीं देना। तो अगर मैं इधर उधर के फालतू डिस्काउंट भी अगर मैं डाल दूँ तो ये 15 तक ही क्या है कैप्चर करेगा, और अगर 15 से ऊपर जाएगा तो सॉफ्टवेयर बिलिंग नहीं होने देगा, वो मना कर देगा कि आपको जो है मिनिमम 15% डिस्काउंट देना है। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और ये है पर्क, मतलब है पर्क का मतलब है परचेज, परचेज डिस्काउंट। अगर आपका फिक्स है कि मेरा परचेज में 15% डिस्काउंट पे आता है तो आप डाल सकते हैं, ये पहला डिस्काउंट है, ये दूसरा डिस्काउंट है, अगर परचेज में इस कंडीशन का है तो डाल सकते हैं। अब ये F6 क्या है? F6 है आपका रेट प्लस माइनस करने का। ये देखो यहाँ पे दिख भी रहा है आपका, जैसे कि आपने जब भी आप बिलिंग करते हैं तो बिलिंग के टाइम पे रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं अगर ये यस किया है, और यदि नो कर रखा है तो फिर नहीं कर सकते, जो डिफाइन आपने किया हुआ उसी के अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसे यस रखें, जब भी आपको करना है आप कर सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं उसको, डिफॉल्ट भी चलने दे सकते हैं। उसके बाद जो है आपका फेरी स्कीम, जैसे मैंने रख दिया कि अगर कोई भी मेरे से 20 क्वांटिटी लेगा तो मैं 20 पे एक फ्री दे दूंगा, तो ये वो चीजें हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके बाद फुल स्कीम यहाँ पे करें, और यहाँ पे देखो आप टाइम ड्यूरेशन भी डाल सकते हो, जैसे अभी मान लो चल रहा है नवंबर, तो मैंने डाल दिया 1 नवंबर से लेकर 2023, और 30 नवंबर तक के लिए ही क्या मेरे पास ये ऑफर है, 30 नवंबर 2023। तो मैं कंडीशंस भी डाल सकता हूँ, ऐसे मान लो जैसे ही 1 दिसंबर आएगा तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देखो मार्जिन है, अब ये मार्जिन का मतलब क्या है? अब मार्जिन का मतलब ये है कि मैं स्कीम भी दे रहा हूँ, डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, मैं इसको दो दो डिस्काउंट भी अप्लाई कर रहा हूँ, फिर बिलिंग करूंगा, फिर वहां पे भी मैं पता चले डिस्काउंट दे दूँ और भी। तो यहाँ पे मिनिमम मार्जिन का मतलब यह है कि मैंने अगर 15% या 12 या मान लो 14% मैंने डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि जितने जो भी मेरी परचेजिंग आई है उसके अकॉर्डिंग 14% का प्रॉफिट यानी कि मार्जिन मुझे मिलना ही चाहिए। अगर 14% से नीचे जा रहा है तो फिर बिलिंग के टाइम पे मुझे अलर्ट कर दे कि ये आपका लॉस है, इस तरीके से। तो उस चीज के लिए है डिस्काउंट लेस में, ये वो है कि जो परचेजिंग आपने ली है अगर इन केस परचेज को वापस करना पड़ता है नियर एक्सपायरी या फिर नियर डंप स्टॉक इस तरीके से, तो उस टाइम पे आपको डीलर ने आपसे क्या डील करी है इस आइटम के रिगार्डिंग कि मैं ये आइटम मतलब शुरू में तो उसने मुझे 100 रुपए का आइटम दिया, लेकिन बोला कि जब भी आप मेरे को वापस करोगे तो मैं 10 रुपए आपके काट लूंगा, 90 रुपए ही इसकी रकम दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि रिटर्न के टाइम पे 10% लेस पे जाएगा आपके, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और जो भी इसका मैन्युफैक्चरर है, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपने वहां ऊपर बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो क्रॉस चेक आइटम है, अगर आप इसे क्रॉस चेक के लिए यस करते हैं तो आपको बिलिंग के टाइम पे क्रॉस चेक करना होगा। तो ये ज्यादातर उस केस में करते हैं जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे आइटम महंगे आइटम है, काउंट बहुत कम काउंट के आइटम आते हैं, या जो जिसपे ज्यादा ध्यान रखना है उस पर आप इसे यस कर सकते हैं, बाकी चीजों को इसे नो और नॉर्मल। ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई है इसके अंदर हर एक एक ऑप्शन का। अब इनका आपको जो है अभी सेल परचेज में अप्लाई करने का ऑप्शन भी दिखेगा, उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। आइटम हमारा सेव हो गया, अब मैं एक बार एस्केप करता हूँ। अब एस्केप क्या है, कीबोर्ड में जो सबसे पहला बटन होता है ESC उसको एस्केप बोलते हैं, तो वो एस्केप मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, और अब देखिए मेरा आइटम यहाँ पे बन चुका है, MRP सेल रेट वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है इसका। अब मुझे इसको जो है ना चेंज करना है, मान लीजिए मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि अब इसमें मेरे से 5 रुपए MRP वाली मिस्टेक हो गई है या रेट की मिस्टेक हो गई है, तो आप अब आपको यहाँ पे F3 का बटन प्रेस करना है। तो
F3 मैंने प्रेस किया मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए, ठीक है, एडिट करने के लिए मैंने F3 किया यहाँ पे। तो अब F3 करके मान लो मैंने यहाँ पे पार्ले जी 5 रुपए MRP तो लिख दिया, लेकिन कितने बिस्किट या कितने ग्राम में मैंने ये नहीं लिखा था। तो मैं अब यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो मैंने 15 ग्राम ये डाल दिया मैंने, और उसके बाद दोबारा से कंट्रोल W और यस, कंट्रोल W से भी जो है आप सेव कर सकते हैं, जिससे ज्यादा एंटर आपको ना करना पड़े। तो देखिए मैंने यहाँ पे 15 ग्राम वाला डाल दिया, अब यहाँ पे हमें 15 ग्राम का दिखाई दे रहा है। अब इनके समय आइटम को डिलीट करना है, जैसे मैं इसको तो डिलीट करूंगा नहीं, मैंने अभी बनाया है, तो ऊपर वाले को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने डिलीट का जो कीबोर्ड में बटन होता है मैंने उसे प्रेस किया है, और इसके बाद इसको मैं यस कर देता हूँ। देखिए वो आइटम डिलीट हो चुका है, कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आपको आइटम बनाना है, फिर आपको एडिट करना है, तो इसी तरीके से F3 से एडिट कर सकते हैं और डिलीट के बटन से आप डिलीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आइटम मास्टर जो है क्लियर हो गया होगा कि आइटम मास्टर को कैसे बनाना है और कैसे आपको उसको मॉडिफाई और डिलीट करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज आपकी यही है जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि कोई भी आप सेल परचेज करोगे तो आइटम अगर खराब है या उसमें कुछ भी गलती है तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको दिखने लगेगी। तो ये तो हो गया हमारा आइटम का चैप्टर क्लोज यहाँ पे। अब चलते हैं हम कि हमें हमने आइटम तो बना लिया, और जो हम अपना ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं वो तो पहले से ही चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर हमने आज बाय किया है, तो यानी कि जो हमारे पास पहले से स्टोर में सामान रखा हुआ है अब उसको कैसे चढ़ाएं हम, क्योंकि अगर इनके हम बिल ढूंढने जाएंगे तो कितने परचेज, मतलब हजारों परचेज के बिल मिल जाएंगे, हजारों सेल के बिल हैं, तो इनको चढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि अब आगे से जो अभी मैंने सॉफ्टवेयर बाय किया है और अभी 2 घंटे बाद भी मेरे पास परचेज बिल आ रहा है, तो उसका मेरे पास बेनिफिट है उसको चढ़ाने का, क्योंकि अभी बिल आया, अभी मैंने चढ़ा दिया, स्टॉक अवेलेबल मेरे पे हो गया। लेकिन पुराने का मैं क्या करूँ? तो पुराने का आपको जो है 2 ऑप्शन है, आप उसको ओपनिंग में भी डाल सकते हैं और क्लोजिंग में भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए दोनों ही क्या है, निल है, ठीक है। तो आप उसे ओपनिंग में भी डाल सकते हैं, क्लोजिंग में भी। देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे डालना है मैं वो दोनों बता देता हूँ आपको। आपको मास्टर के मेनू में जाना है, और मास्टर के मेनू में जाने के बाद ओपनिंग बैलेंस और स्टॉक ओपनिंग पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देना है। अब एक्सेप्ट करने के बाद देखो इनकी ओपनिंग चढ़े हुए हैं पहले से ही, लेकिन मैं चाहता हूँ उस पार्ले का जो मैंने अभी बनाया, पार्ले जी 5 MRP ये मैंने बनाया, तो मैंने इस पर एंटर किया। देखो ओपनिंग का बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ा सिंपल है, यही आपको एंटर करना है, फिर एंटर करना है आपको, और यहाँ पे इसकी MRP डालनी है। तो MRP इसकी 5 रुपए है। अब ओपनिंग कितनी है, मान लो मेरे पास अभी ये पार्ले जी रखे हुए हैं 78 पीस, तो मैंने यहाँ 78 डाल दिया। सेल रेट मेरे को 5 का ही रखना है, और परचेज रेट मेरा 2.80 रुपए का आता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एंटर करके, और डेट जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में आपका बारकोड आता है। अब आप 2 क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे, सर हमने परचेज डेट तो डाला हुआ था, हमने बारकोड भी डाला हुआ था, तो यहाँ पे क्या है, जब जब आपको स्टॉक की एंट्री करेंगे तब तब आपको अपना बारकोड और परचेज डेट डालना पड़ेगा इसमें। तो मैंने इसका इस बार बारकोड ये डाल दिया, और उसके बाद जो है कंट्रोल W से मैं सेव कर दूंगा बारकोड को। अभी बारकोड सेव हुआ है, अब इस एंट्री को सेव करने के लिए लास्ट में कर्जर आपका ब्लैक होना चाहिए, जैसे कि अभी लास्ट में लाइन वाली पूरी ब्लैक है, और टैब का बटन आपको प्रेस करना है, और इसके बाद इसे यस कर देना है, और 2 बार एंटर करेंगे, 1, 2। तो देखिए 78 पीस यहाँ पे मेरे डल चुके हैं। तो इस तरीके से आपको ओपनिंग डालनी है, और क्लोजिंग भी इसी तरीके से है, क्लोजिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं है, इसी तरीके से क्लोजिंग भी है आपकी। अब इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि जो मैंने पहले ओपनिंग डाल दिया उसमें मेरे से मिस्टेक हो गई, तो उसको कैसे ठीक करूँ। मान लीजिए 78 पीस मैंने डाल दिया और मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन अब पता चला कि वो मैंने गलत डाल दिया, वो 78 नहीं थे मेरे पे 72 थे। तो सेम आपको रिपीटेशन करनी है, यहाँ पे मास्टर में जाना है, मास्टर में जाने का तो ओपनिंग में स्टॉक ओपनिंग, और उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे उस आइटम को सर्च करेंगे। मान लो मैंने सर्च किया पार्ले जी, और यहाँ पे ये आइटम मेरा आ गया। अब मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे सिंपली दोबारा से एंटर किया, और मैं कर्जर को ऊपर लेके जाऊंगा, MRP मेरी ओके है, स्टॉक मेरे से मिस्टेक थी तो मैंने इसको 72 कर दिया, और मेरे पे सेल रेट विल रेट सब कुछ मेरा ओके है, डेट ओके है, बारकोड को मैंने कंट्रोल W किया, और इस को मैंने टैब के बटन से सेव कर दिया, और एंटर। अब देखिए मेरे पास ये 72 हो गया, और अगर डिलीट करना है तो डिलीट का मतलब है इसके स्टॉक को जीरो करना, तो यहाँ पे एंटर करके मैं इसके ओपनिंग स्टॉक को जीरो कर दूंगा, तो एक तरह से ये डिलीट हो जाएगा। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि कैसे हमें
ओपनिंग स्टॉक डालना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, ये क्लियर हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको डालना है तो क्लोजिंग के लिए आपको आना पड़ेगा रिपोर्ट, रिपोर्ट में मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, और यूटिलिटी में आपको आना पड़ेगा एडिट स्टॉक फीडिंग, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्लोजिंग स्टॉक फीडिंग, इस पे आप इस पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, और सेम मैटर आपको ऐसे ही मिलेगा, बस आपको एंटर करना है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डालना स्टार्ट कर देना है। तो सेम प्रोसीजर वही है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का अंतर क्या होता है मैं बता देता हूँ। अब जैसे अभी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डालेंगे ओपनिंग, अभी आपने सॉफ्टवेयर बाय किया तो अभी डालेंगे आप ओपनिंग। अब जैसे आपने ओपनिंग डाला और आप काम कर रहे हैं, आपने उसकी परचेज एंट्री भी कुछ डाल दी है, आपको महीना दो महीना हो गया और ओपनिंग भी आपने पहले डाल रखी थी, अब आप देख रहे हैं कि यार इसका स्टॉक मैच नहीं हो रहा, मेरे पास अभी तो करंटली 72 है लेकिन यहाँ 78 दिखा रहा है, तो ये वाली एंट्री जो है आपकी क्लोजिंग से होगी, फिर आपको ओपनिंग नहीं करनी, आपको क्लोजिंग से। क्लोजिंग का मतलब है टिल मेरे पास इतना है, अभी करंटली मेरे पास इतना है, ये है क्लोजिंग का मतलब, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग में अगर आपका कंफ्यूजन है तो ऐसे आप अपने क्लियर कर सकते हैं कि क्लोजिंग आपका टिल बैलेंस है स्टॉक का, ओपनिंग आपका शुरुआत है कि अभी आपने सॉफ्टवेयर बाय किया, अभी आपको स्टॉक डालना है तो ओपनिंग से आप डालेंगे, सब कुछ नील है तो ओपनिंग से डालेंगे, और अगर फिर आपने सेल परचेज उसका कर दिया उसके बाद अगर कुछ मिस्टेक आ रहा है स्टॉक में तो क्लोजिंग से डालेंगे फिर। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो दूसरी चीज हमारी कंप्लीट होगी, अब हम तीसरी चीज पे चलते हैं, परचेज एंट्री पे। अब परचेज एंट्री करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है, पहला आप ट्रांजेक्शन में जाएं परचेज, और परचेज में होलसेल बिल पे आप क्लिक कर देंगे तो परचेज एंट्री पे आप पहुंच गए। अब दूसरा जो ऑप्शन है आप अल्ट पी प्रेस करें और अल्ट पी से आप अपनी परचेज एंट्री पे आ जाएंगे। अब परचेज एंट्री पे जो है सबसे पहले आपको जो है बताना होता है डेट। अब जैसे यहाँ पे 31/3/2022 है, अब मान लीजिए जो आपने परचेज बिल आपने जो किया है, जो चढ़ा रहे हैं आप, वो आपका जो है 27 मार्च का है, तो यहाँ पे मैन्युअली आपको टाइप करना है, ये जो है डेट आपका नीला रहेगा, नीला ही रहना चाहिए, और यहाँ पे आप डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप करेंगे 27-03-2022। अब जैसे आप ये टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका लेजर ओपन हो जाएगा, या फिर आपसे पूछेगा कि ये डेट आपकी करंट डेट से मैच नहीं, तो उस वाले ऑप्शन को आप यस कर देंगे अगर वो पूछता है तो, और फिर उसके बाद ये लेजर पे ऑप्शन आ जाएगा। अब लेजर का क्या मतलब है, लेजर का मतलब है कि जो अभी ये लिस्ट खुली है यहाँ पे आपको बताना होता है किस पार्टी से आपने खरीदा है इस सामान को, किससे लिया है आपने। तो मैं अगर मान लो मैंने ये गुप्ता ट्रेडर से लिया, तो मैं गुप्ता सर्च कर रहा हूँ, गुप्ता नाम है बस इसमें, ट्रेडर नहीं है, यानी कि अब मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करने के लिए नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है F2 न्यू ऐड करने के लिए, F3 एडिट करने के लिए। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि हमें कुछ भी नया ऐड करना पड़ रहा है तो F2 से करना पड़ रहा है, बस कंडीशन हमारी ये चेंज हो रही है कि जो डिस्प्ले ओपन है वही चीज क्रिएट होगी, क्योंकि हम आइटम में गए, आइटम में आइटम की डिस्प्ले थी, हम वहां पे F2 कर रहे हैं तो आइटम क्रिएट हो रहे हैं, अभी जो डिस्प्ले हमारे पास है वो लेजर की डिस्प्ले है यानी कि पार्टी की, तो जैसे ही मैं यहाँ पे F2 करूंगा तो मेरी पार्टी क्रिएट होगी, तो डिस्प्ले का ही ज्यादातर अंतर है। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है अपनी पार्टी को जिससे मैंने सामान खरीदा है गुप्ता ट्रेडर, तो मैं यहाँ पे F2 करता हूँ। अब जैसे ही आप F2 करेंगे तो यहाँ पे कोई आपको अपने अकाउंट्स की कोई भी लॉजिक किसी तरह का कोई फॉलो नहीं करना, सिंपली एंटर करना है। जैसे ही F2 किया मैंने वैसे ही मुझे एंटर करना है, जहां पे भी ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड रहेगा संडी क्रेडिटर सप्लायर्स पे, बस आपको एंटर करना है। अब एंटर करने के बाद ये जो ओपन हुआ यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, कुछ ही डिटेल्स हमें डालनी है, जैसे पहली डिटेल जो है हमें डालनी है उसके फर्म नेम की, तो मैंने डाल दिया गुप्ता ट्रेडर्स LLP, मान लो ये कंपनी का नाम है। स्टेशन में अब जैसे स्टेशन जैसे यूपी है तो यूपी में आगरा है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, तो ऐसा कौन सा स्टेशन है आपके शहर के अकॉर्डिंग, अगर आप महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, पुणे है, मुंबई है, नवी मुंबई है, तो जो भी आपके इसमें है वो आप डाल सकते हैं। अब मेरे ख्याल से बहुत समझ गए होंगे कि क्या डालना है आपको, मान लीजिए मैंने इधर डाल दिया आगरा, और उसके बाद आपको इस अकाउंट्स ग्रुप आपको ऐसी रखना है यस, और ओपनिंग जीरो रहेगा, और ये एंटर एंटर करके आपको एड्रेस में आ जाना है। अब एड्रेस में मैंने डाल दिया, मतलब कुछ ऐसे ही डाल देता हूँ, शॉप नंबर 45 आगरा,
यूपी और 2010 इस तरीके से मैंने डाल दिया पिन कोड। तो ऐसे आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस के लिए 3 लाइन है। अगर आपका एड्रेस बड़ा है ज्यादा तो आप 3 लाइनों में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एंटर एंटर करना है और ये सारी एडिशनल डिटेल्स है, आप नहीं भी डालना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और उसके बाद जो भी इसका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डाल दें और फिर एंटर कर करके एंटर एंटर करके, और यहाँ पे अगर जीएसटी नंबर है इनके पास तो आप जीएसटी नंबर डालेंगे, नहीं तो आप जीएसटी वाले को भी सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद एंटर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब एक बार स्केप करेंगे और चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा गुप्ता ट्रेडर्स LLP बन चुका है और इसका कोई किसी तरह का बैलेंस यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा। मैंने बनाया ही इसलिए कि आपको शुरू से स्क्रैच से समझ में आए। तो उसके बाद अगर इसको एडिट करना है तो F3 करेंगे आप और लेजर डिटेल पे एंटर करके, और देखो नीचे मॉडिफाई का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बटन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो भी आपसे गलती, मान लीजिए LLP की जो है गलती हो गई हमारे से, तो LLP हम इसको हटा देते हैं और हमें गुप्ता ट्रेडर रखना है। और उसके बाद एंटर कर करके Ctrl W से सेव कर दें और एक बार स्केप करें तो ये देखिए गुप्ता ट्रेडर आ रहा है अब यहाँ पे, LLP हट गया। तो ऐसे आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो अब हमें इसे सिंपली सिलेक्ट करना है, यानी कि एंटर करना है इसके ऊपर। और पार्टी नंबर में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, पार्टी नंबर में आपको डालना है इनवॉइस नंबर, बिल नंबर जो सामने वाली पार्टी आपको देती है। अब मान लो जो मेरे को पार्टी ने दिया उसका बिल नंबर कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मैंने एंटर एंटर किया और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, और माउस से अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अगर ये ऑप्शन आता है तो अभी देखो मेरे पे क्रेडिट है, कार्ड है, कैश है, तो मोस्टली कैश या क्रेडिट पे आएगा। ठीक है, अगर कोई उधारी दे रहा है तो पूरा उधारी देगा, कैश पे दे रहा है तो पूरा कैश ही देगा। तो आप डाल सकते हैं कैश आया या क्रेडिट आया, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे क्रेडिट आया मेरे पास। ठीक है, और उसके बाद आपको एंटर करना है और एंटर करना है, ये जीएसटी नंबर के लिए बोल रहा है जो हमने नहीं डाला, कि आपने टैक्स दिया है इसमें, तो मैंने इसको यस कर दिया और एंटर कर दिया। तो इतना आपको हेडर में डिटेल मेंशन करना होता है। अब उसके बाद हम एंटर करते हैं और एंटर करेंगे तो देखिए हमारी आइटम लिस्ट यहाँ पे ओपन हो गई। तो अब मान लीजिए मैंने जो है वही आइटम परचेज किया, पार्ले जी 5 आ गया हमारा, 5 MRP। देखो 72 पीसेस पहले से अवेलेबल हैं इसमें, आप इस चीज का भी ध्यान रखना, 72 पहले से अवेलेबल हैं जो हमने ओपनिंग में डाले थे। अब हम इसे एंटर करते हैं, एंटर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि 72 पहले से अवेलेबल है और मैंने 50 और परचेज किए हैं, सेम रेट मिला है। और देखो ये 15% कैसे आया, अब आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेगी जो आपने आइटम मास्टर में सीखा है। अब ये 15% जब भी आ रहा है जब हमने आइटम में परचेज डिस्काउंट मेंशन किया हुआ था कि हमें 15% पे आता है। और कहीं पे कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो वीडियो को बैक कर सकते हैं और परचेज वाले आइटम वाले सेक्शन पे ही जाके समझ सकते हैं इस चीज को। उसके बाद आप एंटर एंटर करेंगे और फिर एंटर एंटर करेंगे और इसका बारकोड आप मेंशन करेंगे। अब ये देखिए डिस्प्ले क्यों खुलता है, देखो सुपरमार्केट में क्या होता है, आइटम आपका एक ही होता है, उसमें वेरिएशंस बहुत होते हैं। जैसे मैं आपको एक लेज का एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेज चिप्स है, ठीक है, उसका आपका परचेजिंग प्राइस सेम है, उसका सेलिंग प्राइस सेम है, उसमें क्या है कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई साल्टेड है, कोई टमाटो है, कोई इतनी सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जितने जो सुपरमार्केट के पर्सन होते हैं, जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर लेज में कम से कम 15 वैरायटियां हैं तो 15 आइटम वो क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है 15 आइटम को क्रिएट करने में, उसको मेंटेन करने में। तो वो क्या करते हैं, एक लेज का सिंप्लीफाई एक आइटम बनाते हैं। जैसे मान लो लेज बनाया मैंने, लेज 20 रुपीज, और उसके अंदर जो है वो सारे बार कोड को, जैसे मान लो मैंने पार्ले जी बनाया, तो आप इसको लेज समझ सकते हैं। अब लेज है, अब मेरे पास जो है लेज टमाटो आया है, साल्टेड आया है, और भी मल्टीपल वेरिएंट आए, तो जितने मल्टीपल वेरिएंट होते हैं सबके बारकोड अलग होते हैं। तो इसीलिए ये वाइट विंडो ओपन होती है कि मान लो उसका बारकोड ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, तो ये एंटर कर करके उनके बारकोड को आप डाल देंगे और उसके बाद Ctrl W कर देंगे। क्यों, अब जैसे ही जब हम सेल करेंगे और बारकोड वो मेंशन करेंगे तो उसका सेल प्राइस वही आएगा जो हमने आइटम में डिसाइड किया है, क्योंकि देखो वेरिएशन 15-15, 20-20 वेरिएशन होते हैं, तो उनको बनाना, मेंटेन करना, परचेज चढ़ाना, बारकोड चढ़ाना बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है वो, तो उस चीज के लिए वाइट विंडो आती है।
अब मैं इस पे एंटर करता हूँ और मान लीजिए मैंने एक आइटम ये परचेज किया 800 ग्राम का और इसकी जो एमआरपी है वो है 80 रुपए की और ये मैंने 69 या 65 परचेज किए और इसका जो प्राइस मेरे को लगा है वो लगा है 25 रुपए 80 पैसे, कोई डिस्काउंट नहीं मिला मुझे और एंटर कराया मैंने और इसका सेलिंग प्राइस भी 80 रुपए का मुझे रखना है। देखो यहाँ पे परचेजिंग के टाइम पे भी आप डाल सकते हैं अगर आइटम में आपने नहीं डाला है तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया और इसका बार कोड मैंने यहाँ पे मैंशन कर दिया और एक और बार कोड है इसके अंदर वो भी मैंशन कर दिया और एंटर करा और इसको कंट्रोल डब्ल्यू किया। अगर आप कंट्रोल डब्ल्यू नहीं करेंगे तो आपका बार कोड सेव नहीं होगा। तो ऐसे ही रिपीटेशन चलती रहेगी परचेज में। अब जैसे दो दूसरा डाला ऐसे मैं तीसरा डालूंगा, चौथा डालूंगा, पांचवा डालूंगा। अब इसको सेव कैसे करना है, सेव में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए अभी जो ये कर्जर है, कर्जर लास्ट में ब्लैक है पूरा, ठीक है, पूरा ब्लैक है। अगर मैं एंटर करूंगा तो देखिए अब कर्जर ब्लैक नहीं है, तो मुझे एक बार यहाँ पे स्केप करना पड़ेगा ब्लैक करने के लिए। अब ये कर्जर पूरा ब्लैक है। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला कि आप कंट्रोल डब्ल्यू से भी सेव कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आपके यहाँ पे सबसे नीचे छोटा सा बटन आ रहा है सेव का, इससे भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ और पहला ऑप्शन आया कि ये रेट डिस्काउंट इसको मेरे को नो करना है और फिर दूसरा ऑप्शन आ रहा है ये डिस्क्रिप्शन मार्जिन ये सारी चीजों का, तो मुझे इसको भी स्केप करना है। अब ये आ रहा है वन टू चेक टेक्स्ट समरी, इसको मुझे चेक नहीं करना, सीधा सेव पे एंटर करना है और एंटर, फिर एंटर और एंटर। जैसे ही ये प्रिंट का पोर्शन आ जाए मतलब कि ये जो आपका बिल है ये बिल आपका सेव हो चुका है सक्सेसफुली, तो ये बिल मेरा सेव हो चुका है। और अगर मैं पहले स्टॉक चेक करूं, मैंने आपको हाईलाइट कराया था जो मेरे पे 72 है, अगर मेरे पास 72 पीसेस पहले थे, अब देखो यहाँ कैलकुलेटर आप F12 से ओपन कर सकते हैं, 72 पीसेस मेरे पे पहले थे, 50 मैंने अभी परचेज किए हैं, तो टोटल मेरे पास 122 होने चाहिए। अब कैसे देखना है, अब इसके लिए भी आप यहाँ पे स्टॉक के मेनू में जा सकते हैं, ये स्टॉक का मेनू है। अब यहाँ पे करंट स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पार्ले जी 5 MRP, तो देखिए मेरे पास 122 क्वांटिटी है। तो इस तरीके से अगर मुझे इसकी डिटेल्स को जानना है, नहीं यार 122 कैसे है, तो मैं इस पे एंटर करूंगा और इसका रजिस्टर्ड ओपन कर लूंगा और इसके रजिस्टर्ड में मुझे पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ नीचे की साइड में आपको दिख जाएगा ओपनिंग का हिसाब किताब कि ओपनिंग मेरे पास 72 थी और मेरे पर रिसीविंग कितनी हुई है आगे से, जिससे भी मैंने खरीदा है 50, तो 72 और 50 को अगर आप मिलाएंगे तो 122 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये परचेज की डिटेल्स आ चुकी है। ऐसे ही परचेज में अगर हमें उसको मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए फिर हमें एक ही ऑप्शन है हमारे पास, हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे, परचेज मॉडिफाई बिल पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। और किस डेट का था वो, जैसे कि मैं बता दूं 27 का हमने चढ़ाया था, 27, एंटर एंटर। तो कौन सा बिल है वो, ये वाला बिल है गुप्ता ट्रेडर। अब मैं इस पे एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद देखिए अब यहाँ पे आपको ये मॉडिफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब एडिट का ऑप्शन। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब ये क्या एडिट करना है हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि जो हमें ये आइटम मिले ना 80 रुपए की एमआरपी वाला, 25 रुपए इसका रेट डला है जो कि हमसे गलती से गलत डल गया, एक्चुअल में 35 रुपए का था ये। तो आपको कंटिन्यूसली एंटर एंटर करना है जब तक आप आइटम पे नहीं आ जाते। अब मैं आइटम पे आ गया, अब यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन करना है और उसी आइटम पे जाना है जहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट है और उसके बाद उस पर आप कंटिन्यूसली एंटर एंटर करेंगे और मान लो 35 रुपए 50 पैसे इसका रेट था तो मैंने वो मेंशन कर दिया और एंटर एंटर करेंगे, बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक है और बार कोड भी इसका ठीक है, तो बार कोड पे कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे। अब इस बिल को भी सेव करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू और एंटर 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 करके ही बस आपको इस वाले को स्केप करना है और उसके बाद एंटर करके सेव कर देना है। दोबारा से प्रिंट का पोर्शन आ गया मतलब हमारा बिल सेव हो गया। अब इसके बाद आप इसको स्केप कर देंगे और जैसे ही आप इस पे एंटर करेंगे, मैंने तो आपको मॉडिफाई बताया, आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीट और कैंसिल का बटन भी है, मैंने इस पे जैसे डिलीट पे क्लिक किया तो मैं इसे यस करूंगा तो डिलीट हो जाएगा सब कुछ और जिसका जो स्टॉक है सब वापस आ जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको परचेज एंट्री कैसे चढ़ाना है, कैसे उसको मॉडिफाई करना है यानी कि एडिट करना है कभी भी कोई मिस्टेक हो जाए, और डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करना है। अब ये तो हमने चढ़ा लिया, अब हम चलते हैं उस पार्टी के खाते में और देखते हैं कि हमें उनको कितना पेमेंट करना है। हमें अकाउंटिंग भी तो समझनी है ना कि वेंडर के खाते को मेंटेन भी करना है।
अब देखिए लेजर अकाउंट में मैं क्लिक करता हूँ, और ये कैसे हो सकता है कि आपके इसमें बटन ये ना रहा हो, मैं मेनू के थ्रू आपको बताता हूँ कि जो आपको एक्चुअल में मिलेगा ही मिलेगा। आप बुक्स के मेनू में आएंगे, देखो मैं दिखा भी देता हूँ बुक्स कहाँ है, ये है बुक्स का मेनू। बुक्स के मेनू पे आप आएंगे और ऑल लेजर पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा गुप्ता ट्रेडर। तो देखो गुप्ता ट्रेडर का जो बैलेंस है 2856 रुपये आ रहा है क्रेडिट में, जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए क्रेडिट में यहाँ पे बैलेंस आ रहा है इसका 2856 रुपये। इसका मतलब ये है कि हमें इसको पे करना है 2856 रुपये। अभी जो 2856 रुपये है इसका बिल आया था, इसमें अभी हमने कोई पेमेंट नहीं किया। अब आप ये अज्यूम करके चलिए कि 2000 रुपये का इनको पेमेंट हमने कर दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको मेन्यू से बताऊंगा। हो सकता है कि आपके सिस्टम में बटन्स ना हो वो अवेलेबल, तो इसके लिए आपको अकाउंट्स के मेनू में आना है। अकाउंट्स के मेनू में आके सबसे पहला मेनू वाउचर एंट्री, और वाउचर में पेमेंट, और पेमेंट में आके आपको पेमेंट पे ही क्लिक करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे जिस दिन भी आपने उनको पेमेंट करी है, मान लो 27 का बिल था और 28 को मैंने इनको पेमेंट करी, 28/3/2022। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको खाता सिलेक्ट करना है, पार्टी सिलेक्ट करनी है वही जिनको पेमेंट किया है आपने। मान लो मैंने किया है गुप्ता ट्रेडर को, तो गुप्ता ट्रेडर पे मैंने सिलेक्ट किया और एंटर किया, और इनको मैंने 2000 रुपये का पेमेंट किया। तो मैंने यहाँ 2000 डाल के एंटर किया। अब 2000 डाल के एंटर किया, अब ये रेफरेंस पूछ रहा है कि 2000 किस बात के आपने इनको पे किए हैं। तो अब ADJ जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे बस आपको सिंपली एंटर करना है, और इनके सारे बिल्स आ जाएंगे। अभी तो हमने एक ही बिल चढ़ाया है, और जितने और भी चढ़ाओगे तो वहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन आएगा। अब मैंने इस वाले को ही पेमेंट करी है, इस वाले बिल की ही पेमेंट करी, तो मैंने इस पे एंटर किया, एंटर एंटर एंटर, और मैंने कैश पेमेंट इसको करी है तो मैंने एंटर किया एंटर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कैश पे बाय राहुल, जिससे आपका एक स्टेटमेंट भी बना रहे। कभी पार्टी पूछे नहीं मेरे पास 2000 आए नहीं, तो आप बता सकते हैं कि मैंने इसके थ्रू किया, और एंटर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब मैं दोबारा से बुक्स के मेनू में चलता हूँ, ऑल लेजर में जाता हूँ और चेक करता हूँ गुप्ता का। अब देखो 856 रुपये इनको हमें पे करना है। अब कभी आपका कंफ्यूजन बैठ जाए कि 856 कैसे पे करना है, तो इसी पे आप एंटर करेंगे और डेट डिफाइन करके एंटर एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 27 तारीख को परचेज बिल आया था 2856 रुपये का, हमने 28 तारीख को पेमेंट कर दी इनको राहुल के थ्रू 2000 रुपये की, 856 रुपये का अमाउंट पेंडिंग है जो हमें पे करना है अभी। और तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। अब इसमें भी आपका क्वेश्चन होगा कि अगर इस पेमेंट में हमसे गलती हो जाए तो इसको मॉडिफाई और डिलीट कैसे करना है, तो इस पे आपको एंटर करना है सेम ऐसी पार्टी के स्टेटमेंट पे आके। और देखिए नीचे की साइड में आपको सभी ऑप्शंस आपको दिखाई देगा कि आपको मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, प्रिंट करना है, तो सारी चीजें। तो देखिए मैं मॉडिफाई करता हूँ और एंटर एंटर करके अमाउंट मैंने इसको 2200 रुपये का पे किया, और मैंने इसको इससे एडजस्ट करके एंटर एंटर करके सेव कर दिया। तो अब देखिए अब मेरे को ये मेरा अपडेट हो गया, अब 656 रुपये पे करने, 2200 मैंने इसको पे कर दिया पार्शली। तो इस तरीके से जो है पेमेंट को भी आप मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, परचेज भी हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं सेल एंट्री के ऊपर। अब हम सेल एंट्री पे चलने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने स्टॉक परचेज किया था वो सारा स्टॉक हमारा बिल्कुल बैलेंस्ड है, क्योंकि जब हम सेल करेंगे तो वहां पे स्टॉक हमारा लेस होगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉक कितना बैलेंस है उसका। तो हम स्टॉक पे जाके एक बार करंट स्टॉक पे क्लिक कर ले, हुई पार्ले जी वाला आइटम देख लेते हैं, क्योंकि हम एक ही आइटम को ट्रैक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पार्ले जी, तो देखो ये मेरे पास 122 आइटम है। अब सेल एंट्री करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। आप जो है ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ट्रांजेक्शन में सेल, और सेल में आपके पास दोनों ऑप्शन है, रिटेल और होलसेल दोनों। तो जो आपको करना है वो रिटेल करना है, क्योंकि सुपरमार्केट में रिटेल होता है। तो आप रिटेल पे क्लिक करेंगे तो पहला तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड से अल्ट एन करना है आपको, अल्ट एन, तो अल्ट एन, एन फॉर नंबर, तो अल्ट एन किया मैंने, उसके बाद एंटर करना है। अब देखो सबसे पहले जैसे ही आपने एंटर किया तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है कस्टमर का, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया। अब ये कह रहा है कि ये मोबाइल नंबर जो है हमारे कस्टमर डेटा में नहीं है, तो आप इसे यस करें और यहाँ पे अपने कस्टमर डेटा में फीड कर लें, जिससे आपको इन फ्यूचर बेनिफिट मिले। और उसके बाद जो है डिटेल्स तो बहुत सारी है, लेकिन इतनी सारी डिटेल्स कस्टमर देगा नहीं, नाम और नंबर बता सकता है।
अगर और भी डिटेल्स बताता है तो देखो सारी चीजें लिखी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद एंटर एंटर करके आपको आ जाना है आइटम लिस्ट पे। अब आइटम लिस्ट पे जैसे ही आप बारकोड को स्कैन करेंगे, तो देखिए मैंने जैसे बारकोड को स्कैन किया तो ये आइटम ऑटोमेटिक आ गया जो हमने बनाया था। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक तो आ गया लेकिन ये भी बता रहा है कि इस पर लॉस है। अब ये लॉस क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैंने एक चीज बताया था। अब देखो मैं आइटम लिस्ट में आके ना इस पे F3 कर देता हूँ। हमने जितनी जो ये चीजें डाली थी कि मुझे 14% मार्जिन चाहिए, अब 14% मार्जिन इस पे शायद बैठ नहीं रहा, इस वजह से हमें ये लॉस बता रहा है, या फिर हमने डिस्काउंट इसको दे दिया इस वजह से हमें लॉस बता रहा है। तो ये डिटेल्स जो आपने डाली है यहाँ पे आपको इफेक्ट नजर आएगा, जिसमें आपको अलर्टेशन हो जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। अब दोस्तों अगर हम इसे मैनुअली सेल कर रहे हैं, मैनुअली मतलब टाइपिंग करके आइटम को ढूंढ कर, मैंने एंटर किया, अब यहाँ तो आइटम डायरेक्टली आ रहा है। मान लो मैं इसको होम पे कर दे, मतलब सबसे ऊपर कर देता हूँ। अब मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ तो मैं सिंपली टाइपिंग करूंगा और जो भी मैं टाइपिंग करूंगा इसके अंदर वो टाइपिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जो आप ये देख पा रहे हैं। तो बारकोड के थ्रू तो हम कर ही रहे हैं, कभी हमें मैनुअली करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे पार्ले G5। अभी आ गया हमारा आइटम, अब मैंने इस पर एंटर किया और एंटर किया, फिर से एक क्वांटिटी सेल कर दी। अब 122 में हमने दो क्वांटिटी सेल कर रहे हैं हम, तो 120 बचेंगे अब हमारे पास। अब मैं ऐसे एक ऊपर का मतलब और कोई आइटम ट्रायंगल ये सारी चीजें मैं सेल कर देता हूँ। अब ऐसे कंटिन्यूसली आप सेल करते हुए जाएंगे और लास्ट प्रोसीजर आपका वही है सेव करने का, बिल्कुल Ctrl W। अब जैसे ही मैं Ctrl W करूंगा तो मेरे पास कस्टमर ने फोन पे दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है, या डेबिट कार्ड से पेमेंट करिए, किससे पेमेंट करिए, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अभी तो आप फिलहाल यही समझिए कि कैसे आपको यहाँ पे कैश में बैलेंस जो डला है उसको सेव करना है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड में एक एंड का बटन होता है, आप एंड का बटन प्रेस करके इसको सेव कर सकते हैं, या फिर आपको जो है करना है F10। अगर F10 डायरेक्ट यूज होता है तो डायरेक्ट करें, नहीं तो FN के साथ F10 यूज करें, या फिर एंड का बटन यूज करें, कीबोर्ड में एंड का बटन भी होता है। तो जैसे ही मैंने एंड का बटन प्रेस किया तो देखो मेरा बिल जनरेट हो गया। अब ये बिल मेरा यहाँ पे आ गया जो आप देख रहे हैं। अब ये बिल जो है कस्टमाइजेबल बिल है, वैसे आपका थर्मल बिल आता है 3 इंची का जो होता है। तो आपको इसमें सबसे पहले बिल को मॉडिफाई करने से पहले ये समझना होगा कि आपको पेटीएम फोन पे ये कैसे ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के लिए आपको जो है आना है मास्टर में, लेजर मास्टर, लेजर, और लेजर में आपको आना है न्यू लेजर, और यहाँ पे आप बैंक का लेजर ले लीजिए क्योंकि आपको तो सिर्फ रिपोर्ट पर्पस चाहिए, आपको मेंटेन करना है, तो बैंक ले लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैंने डाल दिया पेटीएम और Ctrl W से सेव कर दो, और फिर उसके बाद बैंक ले लो और फिर यहाँ डाल दो फोन पे, फिर Ctrl W से सेव कर दो, फिर एस्केप करो, फिर टाइप करो बैंक और फिर यहाँ डाल दो पेटीएम फोन पे, और फिर हो गया GPay और फिर Ctrl W। अब ये 3 चीज हमने बना दी, अब हमारे बिल में कैसे आएगी। अब इसके लिए आपको मास्टर में आना है, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, और देखो सबसे लास्ट में ऑप्शन है मोड ऑफ पेमेंट का, आप इस पे क्लिक करें। अब देखो ए पे तो कैश लगा है, बी पे क्रेडिट कार्ड लगा है, तो हम इसको लगा देते हैं पेटीएम को लगा देते हैं सी पे। जैसे ही मैंने पेटीएम पे एंटर किया तो देखो कर्जर अब मेरा यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे मुझे अल्फाबेटिक आगे का फॉलो करना है, तो मैंने इसे सी कर दिया और एंटर एंटर, और इस चेक नंबर मस्ट को मैंने कर दिया नो कि ये हमारे मस्ट नहीं है, और ऐसे ही फिर मैंने जी पे को कर दिया डी, और इनके अंदर भी फिर मैंने कर दिया इसको नो चेक मस्ट को, फिर उसके बाद फोन पे को कर दिया मैंने ई फॉर एलिफेंट, और एंटर कर करके मैंने इसको भी कर दिया नो। ये देखिए सारे मेरे यहाँ पे लग चुके हैं। अब मैं इसको स्केप करता हूँ, सेव करने के लिए स्केप है बस। हम दोबारा से एक नया बिल जनरेट करते हैं। अब देखिए मैं वही नंबर डालता हूँ जो मैंने डाला हुआ था। अब जैसे ही एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक इनका नाम, नंबर, एड्रेस, जो भी है सारी चीजें आ जाएगी। ये होता है फर्स्ट टाइम डेटा फीड करने से। अब मैंने एंटर किया, अब देखो साइड में ना आपको एक और नया एडवांटेज मिलेगा। साइड में देखिए आप ध्यान से कि ये लास्ट टाइम कस्टमर आपके पास कब आया था और क्या लेके गया था। ये देखिए ये लास्ट टाइम आपके पास मार्च में आया था और 2 क्वांटिटी आपका MRP ये पार्ले जी का लेके गया था और एक आपके पास ट्राइज का लेके गया था। ये आपको बहुत एडवांटेज अच्छा देगा। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ
और एंटर करके मैंने मान लो ये आइटम सेल कर दिया और एक ये आइटम, दो आइटम सेल कर दिया। अब मैं कंट्रोल डब्ल्यू के साथ इसको सेव करता हूँ और देखिए अब यहाँ पे आपको शो रहा है। इसमें जो है बाय डिफॉल्ट सारा जो आइटम है वो आपके कैश में लोड हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें हमें कोई पार्शियल पेमेंट मिल गया तो मेरे को पहले कैश पे एंटर करना होगा, और कैश में मान लीजिए कस्टमर ने मुझे 200 रुपये कैश दिए और फिर मैं एंटर एंटर करूंगा। अब मुझे डिसाइडमेंट यहाँ करना है बाकी का क्या किया उसने, बाकी का पेटीएम किया तो पेटीएम में ऑटोमेटिक ये लोड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि पेटीएम 100 रुपये की है तो मैंने यहाँ 100 डाला और एंटर एंटर किया, बाकी का कहाँ किया उसने, फोन पे, फोन पे में 100 रुपये आ गए। उसके बाद एंटर एंटर करके फिर आपको लेफ्ट हैंड पे ही आना है बिल्कुल सेव करने के लिए। आप लेफ्ट हैंड पे आके और यहाँ पे आपको करना है एंड का बटन प्रेस करना है या कीबोर्ड से F10 का बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही वो करेंगे वैसे ही आपका ये बिल जनरेट हो जाएगा। और जो ये आप मल्टीपल अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट डाल रहे हैं इसकी भी डिटेल्स रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मैं आपको पहले इसी के बारे में बताता हूँ। डेली रिपोर्ट में जाके सेल और मोड ऑफ पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और एक्सेप्ट करना है यानी कि व्यू करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको इसकी रिपोर्ट्स मिल जाएगी कि कैश कलेक्शन हमारे पे 13,000 का हुआ है, पेटीएम से 100 हुआ है और फोन पे से 100 हुआ है। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अब आपको बिल को मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो ये कैसे करना है इसके लिए आपको आना है ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में आने के बाद आपको सेल, और सेल में आपको आना है मॉडिफाई बिल, और यहाँ पे आप डेट टाइप करें कौन सी डेट का वो बिल था, उसके बाद इस पे एंटर करके और देखिए वही ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे मॉडिफाई के। अब मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया और फिर मैंने एंटर एंटर किया। मान लीजिए मैंने इसको ये 4 क्वांटिटी दी थी तो मैंने 4 डाल दी, और उसके बाद मैं इसे कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करता हूँ। तो कंट्रोल डब्ल्यू से सेव किया, अब 700 रुपये जो है इसने मुझे फोन पे में ही कर दिया मान लीजिए, तो मैंने यहाँ 700 रुपये डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसको F10 या कीबोर्ड के एंड के बटन से मैंने इसको सेव कर दिया और वैसे ही इसका बिल जो है यहाँ पे जनरेट हो गया है। उसके बाद स्केप स्केप किया, बिल हम इस तरीके से जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें सेल रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, GST रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स कहाँ से देखनी है। तो इसके लिए आपको आना होता है रिपोर्ट्स के मेनू में। तो यहाँ पे सेल एनालिसिस में आपको सेल बुक मिल जाएगा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एक मार्च से लेकर कितनी सेल कर दी मैंने अब तक, तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो देखिए सारे बिल्स हैं अलग अलग और नीचे इसका टोटल मुझे शो हो रहा है। तो मैंने जो सेल करे है जो डेट ड्यूरेशन टाइप किया उसमें 16,228 रुपये का मैंने सेल किया है। तो ये मेरी सेल रिपोर्ट है। अब मुझे इसका PDF निकालना है तो Alt P करूंगा मैं और व्यू पे क्लिक करके और इसको ओनली लास्ट टोटल पे एंटर कर दूंगा। और देखिए नीचे PDF का ऑप्शन है, अब मैं PDF पे क्लिक करके नीचे, मतलब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हो सकता है कि आपको ना दिखे, तो ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ये है PDF का ऑप्शन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको PDF पे ही क्लिक करना है और PDF आपका जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं PDF भी, आप प्रिंट लेना चाहे प्रिंट भी ले सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको सेल की रिपोर्ट्स दिखाई ऐसे ही परचेज की रिपोर्ट्स हैं, आपने कितनी परचेज कर ली है तो वो भी आप ऐसे एक मार्च से लेके समझ सकते हैं कि देखिए टोटल 3131 रुपये की आपने परचेज कर ली है, और इसका भी इसी तरीके से PDF वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, मैंने तो आपको सेल बुक बताया जो सिंप्लीफाई रिपोर्ट होती है। अभी देखो आप इसमें कितने प्रोसेस हैं सेल रिपोर्ट को देखने के, क्योंकि अगर मैं इनको डिस्कस करने लगूंगा तो मेरे 6 घंटे इसी वीडियो में लग जाएंगे। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ जिससे आप देख सकते हैं। अब देखिए मंथली सेल समरी के अंदर पार्टी वाइज सेल समरी देख सकते हैं, आइटम सेल वाइज देख सकते हैं कि कौन सा आइटम ज़्यादा बिक रहा है, कैसे क्या आइटम की सेल्स है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेल्स हो रहा है। कंपनी वाइज देख सकते हैं, जैसे हमने पार्ले न्यू कंपनी बनाई थी तो आइटम की कंपनियों का क्या रेशो चल रहा है, किसकी ज़्यादा सेल में कर पा रहा हूँ। उसके बाद जो है पार्टी वाइज सेल्स है और फ्री इशू, डिस्काउंट्स कितने जा रहे हैं हमारे पास बिल के अंदर, तो ये सारी रिपोर्ट्स है इसके अंदर। अब ऐसे ही मेरे परचेज की भी रिपोर्ट्स है, ऐसे ही इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स है कि इन्वेंट्री में क्या इन्वेंट्री बची है, कितना डंप हो रहा है, क्या स्टेटस है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब ऐसे ही GST की रिपोर्ट्स में GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भी, तीन रिपोर्ट जाती है, इन तीनों रिपोर्ट को आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। अब इसकी सेल रिपोर्ट की डिटेल वीडियो, परचेज रिपोर्ट की डिटेल वीडियो और GST की डिटेल वीडियो अगर देखनी है तो मैं इसी जो है वीडियो में अटैच कर देता हूँ आगे। आपको पहले परचेज रिपोर्ट दिखेगी, फिर सेल रिपोर्ट, फिर GST रिपोर्ट। बाकी दोस्तों आपको जितना ज़्यादा चीज़ें समझ में आई है
उतना ही आपके लिए बढ़िया है, और जो आगे रिपोर्ट देखेंगे उससे भी जो है आप सीखेंगे कुछ ना कुछ। अगर कुछ क्वायरी है आपकी तो आप मुझे इस कमेंट के बॉक्स में जो है टाइप करके बता सकते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया, या फिर मुझे ये जानना है, या फिर ये भी चीज़ इसके अंदर होती है तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और सॉफ्टवेयर बाय करना है या आपको पेड सर्विस लेनी तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आप बने रहें, आगे की जो परचेज रिपोर्ट है, सेल रिपोर्ट है, जीएसटी रिपोर्ट है, आगे आपको देखने को मिलेगी। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि सेल रिपोर्ट हम किस किस तरह से देख सकते हैं और क्या क्या ऐसे ऑप्शन हैं जिसको हम बहुत इजी तरीके से अपने जो भी हम सेल करते हैं पार्टी वाइज, आइटम वाइज, और जो भी हमारे मल्टीपल पेमेंट्स मोड होते हैं उसको हम कैसे देखें, तो इस चीज के बारे में हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक एंट्री बुक की, जो कि आप बुक्स में आए और एंट्री बुक में आकर आप अपने सेल बुक पे क्लिक करें और आप यहाँ पे जिस डेट से भी जिस डेट तक अपनी सेल बुक देखना चाहते हैं एंटर करके उसे यस कर दें और आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल इतने बिल आपके कटे हुए हैं जिस और आपके टोटल सेल 14,303 रुपए की है। अब इसी में एक चीज और भी है, जैसे कि अगर आप देखना चाहें पर्टिकुलर किसी एक ही पार्टी का, अगर देखना चाहें कि आप देखना चाहते हैं कि जो भी एक पार्टी है तो इसे आप यस कर दें, सिलेक्टेड लेजर को यस करें और अपनी एक पार्टी को आप सर्च करें और उसी पार्टी के आपको क्या है बिल्स, जो भी ट्रांजेक्शन उसके साथ हुई होंगी वो सारे बिल्स आपको देखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो है एकदम बेसिक मोड जिससे आप एंट्री बुक भी अपनी देख सकते हैं कि टोटल सेल कितनी कटी है और उसके बाद कितने की सेल है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ये बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉपर सेल रिपोर्ट की तो आप डेली रिपोर्ट में आए और डेली रिपोर्ट में आने के बाद आप सेल रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं जिसको आप पढ़कर भी समझ जाएंगे कि ये किस, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये किस तरह की रिपोर्ट आपको दिखाएगा। तो जैसे कि मैं पहले अगर देखूं तो ये मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट है, मतलब कि आपने कैश कितना कलेक्शन किया है, बैंक कितना कलेक्शन किया है, उसकी अगर आप रिपोर्ट देखना चाहें तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे जब से जब तक देखना चाहते हैं और उसके बाद आप इसको व्यू कर देंगे तो आप देखेंगे कि कैश जो है टोटल 222 रुपए का आया है इन 30 दिनों में और फोन पे जो है 200 रुपए का आया है, आईसीआई बैंक पे जो है 200 रुपए का कलेक्शन आया टोटल। तो ये मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट है, आप बहुत इजिली क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन हो कि हम ये फोन पे के आईसीआई बैंक मतलब जो भी बैंक के लेजर है कैसे बनाए तो वो आप मास्टर में आके लेजर मास्टर में और न्यू लेजर पे क्लिक करके बैंक में बना सकते हैं बैंक के इसमें, क्योंकि आपका जो फोन पे है और जो भी आपका बैंक अकाउंट है ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपके बैंक में ही जाती है तो इनके आप डिफरेंट डिफरेंट लेजर बना सकते हैं ताकि आप एक प्रॉपर रिपोर्ट देख सके कि पूरे महीने में फोन पे का कितना बैलेंस है, पेटीएम का कितना बैलेंस है और जो भी आपका मेन अकाउंट है उसका कितना बैलेंस है, तो वो आप प्रॉपर रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो जैसे ही मैंने कि आपको बताया कि जैसे ही आप इसको वो पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट व्यू करिए, इसमें कोई आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्लिक करें, डेट डालें, उसके बाद आप व्यू करें और चेक करें कि जो आपने क्लिक किया है क्या ये प्रॉपर वही रिपोर्ट है या नहीं है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी रिपोर्टों को। तो अब जैसे कि मैंने आपको मोड ऑफ पेमेंट दिखाया, ऐसी मल्टी करेंसी है, उसके बाद डॉक्टर एंड पेशेंट, जैसे अगर आप केमिस्ट शॉप से बिलोंग करते हैं, केमिस्ट शॉप की जो है आपका पास अगर रन करते हैं तो आपको सारे के सारे जो पेशेंट और डॉक्टर की रिपोर्ट से वो मिल जाती है, आपको कमीशन देखने को मिल जाता है। और अगर आप B2B में हैं, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आप कोई भी B2B का वर्क करते हैं तो आपको यहाँ पे पार्टी वाइज आपको सारी की सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब डे वाइज रिपोर्ट देखना चाहें कि कौन से दिन कितने बिल कटे, कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, और अगर मंथ वाइज देखना चाहें, अगर बिल वाइज देखना चाहें पर्टिकुलर एक बिल को देखना चाहें कि क्या स्टेटमेंट है उसकी, और फिर उसके बाद आप स्टाफ की वर्किंग देख सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर लगे हुए हैं तो आप ये देखना चाहें कि राम ने कितनी ट्रांजेक्शन करी है, श्याम ने कितनी करी है, तो वो भी आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद प्रोडक्ट वाइज, पार्टी वाइज, कंपनी वाइज, सप्लायर वाइज, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप अपनी रिपोर्टें देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके अपनी रिपोर्ट देख क्लिक करके व्यू करें और अपनी रिपोर्ट देखें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कुछ भी इसमें अप डाउन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपके सॉफ्टवेयर में नहीं आएगी। तो जैसे हमने यहाँ बात करी, ऐसे ही आपको रिपोर्ट में एक सेल एनालिसिस मिल जाता है जिसमें आपको कंसोलिडेट सेल बुक, रिटर्न्स और MIS मिल जाता है।
तो ये सभी आप क्लिक करके व्यू करके देखें, ये सभी सेल्स से रिलेटेड ही रिपोर्ट है और सभी के ऑप्शन पर लिखा भी हुआ है। अब जैसे कि ये पढ़ेंगे आपकी आइटम वाइज सेल है और इसके अंदर जो भी आप पढ़ेंगे और जिस हिसाब से भी आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप वो क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है ऑल आइटम मंथ्स, तो इसमें क्या है सभी आइटम भी दिखाएगा और जो भी उसकी सेल होगी और उसके पीछे आपका मंथ दिखेगा कि कौन से मंथ में, और ऐसी ही पार्टी आपको दिखेगी यहाँ पे। तो ये सभी सेल से रिलेटेड रिपोर्ट है, आप क्लिक करके व्यू करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे आपको मैं एक सॉलिड ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी कंफ्यूजन जो भी होगा रिपोर्ट से रिलेटेड वो दूर कर देगा। आप डेली रिपोर्ट में जाएं और बिजनेस एनालिसिस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को जो मुझे चाहिए रिपोर्ट वो रिपोर्ट मुझे मिल नहीं रही है, तो आप यहाँ इस वाले ऑप्शन को चूज करें और जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे मैन्युअली क्लिक करके और अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप चाहते हैं कि पहले बिल नंबर आए और उसके बाद आइटम आए कि उस बिल में कौन सा आइटम सेल हुआ, उसके बाद आप सेल एनालिसिस चाहते हैं, उसके बाद समरी चाहते हैं, आप डिटेल चाहते हैं या दोनों एक साथ चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप डेट चूज कर सकते हैं कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आपको चाहिए। और उसके बाद जैसे आप शो पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि बिल नंबर आ गया और उस बिल में जो भी आइटम है वो आ गए, जैसा कि आपने यहाँ पे बताया कि बिल नंबर आए पहले और उसके बाद आपने बताया कि आइटम आए, तो ये सभी चीजें आ गई है। अब इसमें भी क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं कि फ्री क्वांटिटी नेट, ये बहुत सारे ऑप्शन है। आप तो आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें ना आए, जो आप चाहते हैं वो आए, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं कॉलम फिल्टर का, आप यहाँ पे क्लिक करें और जो जो आप चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं ब्रिकेज एक्सपायरी ना आए, लेट अमाउंट ना आए, ये वाला फ्री भी ना आए, नेट सेल अमाउंट आए ये आप चाहते हैं, और टैक्स अमाउंट शो, अगर टैक्स अमाउंट चाहते हैं टैक्स अमाउंट आए, फ्री क्वांटिटी ना आए, सेल क्वांटिटी आए, उसके बाद आप इसको डन करें और आप देखेंगे कि जो आप चाहते थे वही चीज आपको मिलेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वो है कि अब इसको आपको सेव करना हो इस फॉर्मेट को, जैसे कि जो ये आपने रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाया इसे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे सेव रिपोर्ट फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे और आपने डाल दिया बिल वाइज रिपोर्ट, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं प्रिंट आउट करूं या मैं इसका एक्सेल निकालूं, तो आप जीयूआई व्यू करें और व्यू करने के बाद जो भी आपका प्रिंटर अटैच होगा आप यहां प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सेल निकालूं तो आप एक्सेल पे क्लिक कर दें और इसे यस करें, आपका एक्सेल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। कुछ सेकेंड या एक मिनट का समय लग सकता है आपके एक्सेल को जनरेट होने में, वो डेटा पे डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना बड़ा है। एक्सेल जनरेट हो चुका है, ये देखिए जैसे कि जो भी हमने रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें एक्सेल मिल चुका है। अब इस एक्सेल को जैसे भी आप यूटिलाइज करना चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। अगर हमें रिपोर्ट इनमें से नहीं मिल रही सेल की कोई भी, और इनमें से हमें कोई भी रिपोर्ट में भी कोई सेल की रिपोर्ट नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं, तो आप डेली रिपोर्ट में आके बिजनेस एनालिसिस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी चीज़ें भी क्लियर हुई होगी। अगर कोई चीज़ अगर आपके रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जो भी हम परचेज की एंट्री करते हैं उसकी रिपोर्ट हम कैसे देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक रिपोर्ट, जैसे कि पिछली वीडियो में देखेंगे तो मैंने सेल रिपोर्ट बताया हुआ है कैसे देखते हैं, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक जो परचेज बुक है वो कैसे देखते हैं। तो आप बुक में आके एंट्री बुक, और एंट्री बुक में आप परचेज बुक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जिस तारीख से जिस तारीख तक देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे डेट को, और आप इसको ओके कर देंगे। तो देखेंगे कि हमने टोटल जो परचेज की है वो दो एंट्री परचेज की है और टोटल जो है 5,140 रुपए की जो है परचेज टोटल हमारे पास आई है। तो ये है बेसिक। अगर हम इसी में पार्टी वाइज देखना चाहें तो आप परचेज बुक पे क्लिक करके डेट डिफाइन करें और उसके बाद आप इसको यस करें। आप जैसे मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि अपोलो का, तो देखेंगे कि आप सिर्फ अपोलो की एक ही एंट्री निकल कर आई, यानी कि पार्टी से रिलेटेड जो भी परचेज आई होगी वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो होने लगेगी।
तो ये हो गया बेसिक, अगर आप बेसिक तरीके से देखना चाहते हैं अपनी बुक को, जिसमें आपको अमाउंट भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप आएंगे डेली रिपोर्ट में, डेली रिपोर्ट में आप देखेंगे परचेज रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं, डे वाइज समरी, मंथ वाइज समरी, बिल वाइज समरी। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और जिस तारीख से भी जिस तारीख तक, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने मंथ वाइज किया था तो ऑलरेडी ये 1 से 30 तक एंटर्ड हो गया ऑटोमेटिक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ 25 दिन का देखना चाहते हैं, 24 दिन का देखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से डेट को मॉडिफाई कर देंगे। तो जैसे ही मैंने व्यू पे क्लिक किया तो मंथ वाइज में नवंबर में टोटल मेरी इतनी परचेज 5140 की परचेज नवंबर में आई है। अगर मैंने और भी परचेज इसमें चढ़ाए होते तो मेरे को नवंबर, अक्टूबर, सितंबर के अकॉर्डिंग मुझे दिखता। तो मैंने सिर्फ एक दो से तीन पर दो परचेज चढ़ाई हुई है आपकी टेस्टिंग के लिए। तो डेली रिपोर्ट में परचेज रिपोर्ट आप ये समझ गए कि डे वाइज, मंथ वाइज, बिल वाइज। डे वाइज में दिन के हिसाब का दिखाएगा, मंथ वाइज में जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि नवंबर, अक्टूबर, इस हिसाब से आपको दिखाएगा। बिल वाइज में पर्टिकुलर किसी एक बिल का ही दिखाएगा आपको। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं सप्लायर वाइज स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आप इसको डेट डिफाइन करके यस करें, और किस सप्लायर का देखना चाहते हैं आप उस पर स्पेस का बटन दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं अगर मल्टीपल आपको देखने हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली उस पर एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर एंटर किया तो इसकी स्टेटमेंट पूरी आ गई कि 20 तारीख 11वें महीने को जो एक परचेज चढ़ी है वो 1089 रुपये की चढ़ी हुई है। तो ऐसे ही अगर इसकी और भी परचेज होते हैं, और भी जो भी चीज़ें होती वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं अगर उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सिंपल सा स्टेप है कि जो भी आप रिपोर्ट देखें, चाहे मैंने आपको जो दिखाया है स्टेटमेंट दिखाया है, इसके अलावा अगर कुछ भी आप देखते हैं इस पे, तो बॉटम साइड में आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट करके वहां से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या पीडीएफ पे क्लिक करके जीयूआई को व्यू करें और उसके बाद अपने आप यहाँ पे प्रिंटर पे क्लिक कर दें, A4 शीट में आपका ये प्रिंट आउट होकर निकल कर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका एक्सेल निकालना, तो एक्सेल पे आप क्लिक करें और उसके बाद कंटिन्यूसली एंटर कर दें, ऑटोमेटिक जो है इस जो भी आपने स्टेटमेंट निकाली है इसका ऑटोमेटिक एक्सेल जनरेट कर देगा। आपके डेटा के अकॉर्डिंग जो है टाइम लेगा, जैसे इसमें कुछ सेकंड का ही टाइम लिया है, हो सकता है अगर आपका डेटा बड़ा हो तो 1 मिनट का भी टाइम आपका लग सकता है। तो जैसे ही मैंने इसका एक्सेल निकाला तो आप देखेंगे कि इसका एक्सेल निकल गया, हमारी कंपनी का नाम, उसके बाद जिस सप्लायर का नाम है और जो भी इसके साथ आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। अब इसको आप जहाँ पे भी सेव करना चाहें फाइल में जाके सेव एस कर सकते हैं, चाहे डेस्कटॉप पे चाहे कहीं पर भी। तो सभी मोड आपके पास अवेलेबल हैं, प्रिंट आउट निकालने के भी, एक्सेल में कन्वर्ट करने के भी। तो आपको जो भी यहाँ पे परचेज रिपोर्ट में जो भी आपको दिख रहा है आप उस पर क्लिक करके उस चीज़ को निकाल सकते हैं। और भी नीचे आपको दिख रहा होगा सेल्फ लाइफ स्टेटमेंट, परचेज डिफरेंस स्टेटमेंट। परचेज डिफरेंट स्टेटमेंट में क्या है कि जो भी आप परचेज चढ़ाते हैं अगर उसका प्राइस एक्यूरेट नहीं चढ़ा है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर आपकी परचेज का प्राइस नहीं चढ़ा ठीक से, तो ताकि आपको ये GST रिटर्न में हेल्प कर दे। और उसके बाद आप किसी पे भी क्लिक करके व्यू करके अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी अप एंड डाउन करते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। उसके बाद आप जाएंगे रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में आपको मिलता है परचेज एनालिसिस। तो यहाँ पर भी आप जो है कंसोलिडेट परचेज बुक देख सकते हैं, परचेज बुक देख सकते हैं, प्रॉपर टैक्स क्या है, और उसके बाद आप उसका नेट अमाउंट देखना चाहें, टैक्सेबल अमाउंट देखना चाहें, रेट क्वांटिटी देखना चाहें, तो जिस हिसाब से भी आप उसको मतलब करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर एक रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर इसका भी आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलते, जैसा कि आपको डेली रिपोर्ट में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको करना है Alt+P और उसके बाद आप इसको व्यू पे एंटर करें, और किस हिसाब से देखना चाहते हैं ये आप यहाँ पे बता दें कि ओनली लास्ट टोटल देखना चाहते हैं या फिर उसके बाद पहले वाले ऑप्शन को। तो जैसे भी अब जैसे ही आपने इस पे एंटर किया तो वो सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे डेली रिपोर्ट में मिलते हैं। अब इसको आप PDF पे क्लिक करके GUI व्यू करके प्रिंट आउट ले सकते हैं इसका। तो आप जो है अपनी रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट में भी आप परचेज रिपोर्ट को जैसे मर्जी देखना चाहें क्लिक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी के हेडिंग लिखी हुई है कि कंपनी वाइज समरी आपको दिखाएगा कि आपने सपोज कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के कितने प्रोडक्ट परचेज किए हुए हैं या फिर लीफोर्ड के कितने परचेज किए हुए हैं, तो सभी आपको यहाँ पे
कंपनीज वाइज दिखाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट वाइज देखना चाहते हैं, सप्लायर वाइज देखना चाहते हैं, तो क्लिक करके आप व्यू करके देख सकते हैं। अगर मैं ये आपको सारी रिपोर्ट इंडिविजुअल दिखाने लग जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इस पर क्लिक करके देखिए। अगर कोई भी आपको इशू आता है आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और ऐसे ही आपका परचेज एनालिसिस आप इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा अपनी रिपोर्ट में परचेज की, ना ही कुछ रिपोर्ट डेली रिपोर्ट में समझ में आ रहा है, ना ही कुछ रिपोर्ट में समझ में आ रहा है, तो आप डेली रिपोर्ट में बिजनेस एनालिसिस पे आप क्लिक करें और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट को जनरेट करें। अब जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि पहले आपकी बिल, पहले आपका बिल नंबर आए, या पहले आपके एरिया आए, या पार्टी, सपोज की पार्टी रख लेते हैं पहले, कि पहले पार्टी का नाम आए, उसके बाद आइटम का नाम आए, और उसके बाद परचेज एनालिसिस करना चाहते हैं, समरी में चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं, या दोनों एक साथ चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आप चाहते हैं ये आप डिफाइन कर देंगे, और शो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी परचेज आपको मिल गई। और इसमें भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्या हैं, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं कॉलम फिल्टर का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो जो आपको चाहिए उस परचेज में आप उस पर क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, और जो नहीं चाहिए उसे अनटिक कर देंगे और इसको डन कर देंगे। तो देखिए आपकी परचेज कितनी शॉर्ट हो गई है, और इस रिपोर्ट को आप सेव भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो आपको दोबारा से ही चूज ना करना पड़े, तो इसको आप सेव कर सकते हैं जिस नाम से भी आप करना चाहें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिपोर्ट देखें तो ये आपको फाइल सेव्ड मिले। तो रिपोर्ट सेव होगी। अब यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन आएगा कि इसका प्रिंट आउट लेना हो तो आप डायरेक्टली GUI प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, या पहले आप देखना चाहें तो आप GUI व्यू पे क्लिक करके इसको पहले देख सकते हैं, उसके बाद आप प्रिंटर पे क्लिक करके प्रिंट आउट, यहाँ पर जो प्रिंटर का ऑप्शन आता है प्रिंटर पे क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सेल में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर यहीं सामने आपको एक्सेल मिल जाता है, एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे, इसे यस करेंगे, और ओके करते ही आपके डेटा के अकॉर्डिंग, अगर डेटा ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अगर डेटा कम है तो कुछ सेकंड में आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा डेटा कन्वर्ट हो चुका है, अगर आप देखेंगे तो जो हमने रिपोर्ट निकाली वही रिपोर्ट हमें मिल गई यहाँ पे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिल रही आपके हिसाब से तो डेली रिपोर्ट में जाके आपके पास बहुत अच्छा टूल है कि बिजनेस एनालिसिस से आप अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने परचेज में जाके ये सारी रिपोर्टें देख सकते हैं, रिपोर्ट में जाके परचेज एनालिसिस में ये सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जैसे कि मैं GST पे आया, अब GST में GSTR 1, 2 और 3 भी मोस्टली तीन रिपोर्ट चाहिए होती है CA को, और फिर ईयर में एक साल में जब वो ITR फाइल करेंगे तो GSTR 9 चाहिए होती है। तो मंथली बेसिस पे तीन रिपोर्ट चाहिए और ईयरली बेसिस पे ये GSTR 9 चाहिए उनको। अब जैसे अब GSTR 1 क्या है, GSTR 1 आपका सेल रिपोर्ट है, और GSTR 2 आपका जो है परचेज रिपोर्ट है, और GSTR 3 भी सेल और परचेज का कंबाइंड, जो भी कंबाइंड रिपोर्ट होती है वो है ये। अब जैसे मुझे GSTR 1 निकालना है यानी कि सेल रिपोर्ट निकालनी है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद अभी जो ये रिपोर्ट है आपकी जनरेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको जो इसका पैच फाइल है, जो मार्ग का GST रिपोर्ट निकालने का पैच फाइल है, वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसे यस किया, और यस करने के बाद आपको आना होगा ड्रॉप डाउन करके नीचे, दो चीज़ों को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इसे डाउनलोड करना क्यों ज़रूरी होता है, अब GST, अब आपको भी पता है GST में डेली अपडेट आते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या अपडेट कर दिया, फाइलें अपडेट कर दी, कुछ ना कुछ अपडेट चलता ही रहता है GST में हर महीने। तो जो भी अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने CA को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और खुद से भी खुद की रिपोर्ट जो है जाननी है आपको, तो इन फाइलों को आपको अपडेट रखना होगा अपने सॉफ्टवेयर में। तो जैसे कि अब यहाँ पे डाउनलोड हो गया, मैं ओपन फाइल करता हूँ, और ओपन फाइल करने के बाद इसको आप कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करके इसे कॉपी करेंगे। मैंने राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। अब ये आपका सॉफ्टवेयर के फोल्डर में डालना है, और सॉफ्टवेयर इस समय बंद होना चाहिए, तो मैं सॉफ्टवेयर को कर देता हूँ क्लोज। और जो एक सॉफ्टवेयर का ऑटोमेटिक बैकअप होता है इसको भी बंद करना है आपको, तो दोनों चीजें आपको बंद करनी है। उसके बाद सॉफ्टवेयर पे राइट क्लिक करना है, और उसके बाद ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करके
आप इसको मैक्सिमाइज करें और यहाँ बाहर पेस्ट करना है आपको, दो जगह पे पेस्ट करना है, एक तो बाहर आपने पेस्ट कर दिया, अब एक यहाँ पे सिस्टम नाम का फोल्डर है, अब जाएंगे सबसे ऊपर, ये रहा एक सिस्टम फोल्डर, अब इस सिस्टम फोल्डर के अंदर भी आपको पेस्ट करना है, तो दो जगह पे इसको पेस्ट करना है। अभी भी जो है एक फाइल और है, अब इस पे भी आप क्लिक करोगे, मैं डाउनलोड्स का ऑप्शन निकाल लेता हूँ, कंट्रोल जैसे डाउनलोड के ऑप्शन पे दोबारा आ सकते हो, तो मैंने ओपन फाइल लोकेशन किया, अब ये जीएसटी पीएफओ है, इसको भी राइट क्लिक करके कॉपी करोगे और सेम मार्क फोल्डर के अंदर एक तो आप सिस्टम में डाल दो और एक उसके जो बाहर फोल्डर है उसमें डाल दें। अब मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया जीएसटी पीएफओ को जो अभी मैंने कॉपी किया था, उसके बाद बाहर भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो मैंने दोनों जगह पे इसको पेस्ट कर दिया। अब जाके मुझे वो सारी रिपोर्ट मिल पाएगी जो मुझे चाहिए। अब मैं दोबारा से मार्क सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा, जब भी आप ये करें सॉफ्टवेयर आपका बंद होना चाहिए, जब भी आप देख पाएंगे। अब देखिए ये अपडेट होना स्टार्ट हो गया, प्लीज वेट अपडेटिंग योर जीएसटी फाइल्स। अब जीएसटी फाइल्स हमारी अपडेट हो गई है, जो अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे वो देख ही नहीं देता, अब हमारे पास एक्सेस है। अब मैं जीएसटी आर 1 की रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ, ओके किया, ये सीए की डिटेल डालने के लिए बोल रहा है, तो मैंने इसे नो कर दिया। अब यहाँ पे आप डेट डिफाइन करो, सपोज मुझे जो है नवंबर की ही रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने 11/1/11 किया, एंटर, और अपने आप ही 30/11 आ गया, जब भी ये मंथ एंड होने वाला होगा। उसके बाद मैंने शो पे क्लिक किया, अब शो पे क्लिक करने के बाद जितने भी मेरे रिटर्न्स हुए हैं, जैसे कि जो यहाँ पर रिटर्न है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, वो भी आ गए, और जितने भी मैंने B2B में सेल करे हैं और B2C में सेल करे हैं, B2B क्या है कि जो भी आप होलसेल में सेल कर रहे हैं, और B2C क्या है कि जो भी एज ए डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे हैं आप एंड यूजर को, तो सारी रिपोर्ट यहाँ पे डिफाइन होगी। अब यहाँ पे जीएसटी जो सीए हैं अलग अलग डिमांड आपसे ये करेंगे, किसी को चाहिए होगा JSON, किसी को चाहिए एक्सेल, किसी को चाहिए CSV, तो ये अलग अलग चीजें चाहिए। तो यहाँ पे मोस्टली सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट निकालते हैं लोग एक्सेल पे क्लिक करके डिटेल रिपोर्ट निकालते हैं। अब ये डिटेल रिपोर्ट निकालने से क्या है कि जो भी एक्सेल ये निकलेगा और सीए के पास किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो वो इन फाइल जो भी अब इसमें जनरेट होगा वो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं इजी वे में। तो 90% केसेस में लोग ज्यादातर यही रिपोर्ट निकालते हैं और सीए अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके इंपोर्ट कर लेता है, तो सीए की जितनी भी जो चीजें हैं वो यहीं पे फुलफिल हो जाती है। अब देखिए ये जनरेट हुआ आपका एक्सेल, ठीक है, अब सीए क्या है अपने अकॉर्डिंग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो भी उनको डेटा उठाना है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे HSN आ गए आपके, और यहाँ पे आपके परसेंटेज आ गए, 6% वाले कितने हैं, टोटल टैक्स कितना हो रहा है, ये सारा समराइज उनको नीचे मिल जाता है कि टोटल टैक्स कितना है, और ये जो है एज इट इज जीएसटी पोर्टल पे या किसी और सॉफ्टवेयर पे वो अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ज्यादातर जो है ना रिपोर्ट निकालते हैं, जितने भी ज्यादातर जो यूजर हैं सबसे ज्यादा रिपोर्ट यही चाहिए होती है उनको। लेकिन कभी कभी सीए जो है आपसे जीएसएन की कर देते हैं डिमांड की मेरे को जीएसएन चाहिए, जीएसएन से और भी आसानी हो जाती है, यहाँ तो कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करके अपलोड करना होता है, लेकिन जीएसएन में सीए को कुछ नहीं करना होता, सीधा अपलोड। अब यहाँ पे जीएसएन है, ये रिकनसाइल के लिए जीएसएन है, यहाँ पे आपको आना है GSTR 1 पे, इस पे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे जो भी सीए आपसे डिमांड कर रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे, उनको CSV शीट चाहिए, उनको एक्सेल टेम्पलेट के साथ चाहिए, उनको जीएसएन चाहिए, जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही स्टार्ट पे आप क्लिक कर देंगे, ये जेएसएन जनरेट करने से पहले आपको बता देगा कि आपके किस किस बिल में क्या क्या दिक्कतें हैं। अब देखिए ये बता रहा है कि जो आपने बिल काटे हैं इनको, उनके अंदर HSN ब्लैंक है, HSN कोड जो है सही नहीं है, जीएसटी पोर्टल पे अपलोड होने में दिक्कत करेगा ये, अगर फिर भी जनरेट करना चाहते हो तो इसे क्लोज कर दो, आपका एक्सेल जो है जनरेट हो जाएगा, यहाँ यस करते के साथ ही जीएसएन जनरेट हो गया, लेकिन ये अपलोड करने में दिक्कत करेगा क्योंकि इसने सॉफ्टवेयर ने पहले ही आपको बता दिया है कि उसके अंदर HSN ठीक कर लो, क्योंकि हमने HSN डाले नहीं है। अब ये जाता कहाँ है, अब इसके लिए राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन,
और इसमें आएंगे रिटर्न्स के नाम से एक फोल्डर बना होता है, जीएसटी रिटर्न। अब इसमें आने के बाद देखिए ये आपका जीएसएन है। देखिए अभी टाइम हो रहा है 6:12, अपने इसमें देखिए 6:13 हो गया, अब ये 6:12 पे जनरेट हुआ है। अभी इस फाइल को आप उनको मेल कर सकते हैं, सब कुछ अगर ठीक होता तो मेल कर सकते हैं, पर अब क्या है कि आपको बिल्स के अंदर एचएसएन अपडेट करने हैं, तो जितने भी उनको फॉर्मेट चाहिए होते हैं वो सारे फॉर्मेट यहाँ पर है, CSV, एक्सेल, JSN, एक्सेल प्लेन एक्सेल, तो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो चाहिए आप उसको जनरेट करोगे और वो जनरेट होने के बाद मार्क GSTR फोल्डर के अंदर जाएगा वो। अब इसी तरीके से GSTR2 है, जितनी भी आप ले रहे हो उसके लिए। अब मुझे 11वें महीने की परचेज निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे 01111 और अपने आप ही डेट डिफाइन हो जाएगा, शो किया मैंने। तो जितनी भी मेरी परचेज चढ़ेगी, चढ़ी हुई होगी, सारे के सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। अब सेम इसके साथ भी वही रूल है कि आप एक्सेल मोस्टली तो सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं लोग, समरी डिटेल में आके ओके करेंगे, आपका एक्सेल जनरेट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं जीएसएन वगैरह निकालना तो यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी परचेज का जीएसएन नहीं होता, जीएसटी का जो सेल है सेल का जीएसएन होता है, बाकी इसका जो है सीएसबी होता है, एक्सेल टेम्पलेट होता है, प्लेन एक्सेल होता है। तो जो भी सीए आपसे डिमांड करते हैं वो दे सकते हो। तो ये रिपोर्ट्स है कुछ जीएसटी की जो होने चाहिए, और एक रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है GSTR 3B। तो आप आओगे इसमें जीएसटी में 3B पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इसको लो करना है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये जो है आपको हमेशा गवर्नमेंट फॉर्मेट रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है GSTR 3B का फॉर्मेट, इसे आप गवर्नमेंट फॉर्मेट रखेंगे और इन सब पे आपका टिक होना चाहिए, ताकि जो भी रिटर्न्स हुए हैं आपके और जो भी परचेज, जो भी सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, सब कुछ इसमें कंबाइंड रिपोर्ट आती है। तो आप इसको एज इट इज ओके करें, और जिस मंथ की भी आपको चाहिए वो मंथ आप यहाँ पे एंटर करके, अब सी आपसे जो भी मांग रहा है, एक्सेल, PDF, ई रिटर्न, JSN, इसका JSN होता है, तो जो भी आपसे मांग रहा है किसी पे भी आप क्लिक करेंगे, ये आपके GSTR फोल्डर में जाएगा MAR GRP के अंदर जो है। अब जैसे कि मैं PDF कर देता हूँ, PDF पे जैसे क्लिक करेंगे, एंटर करके पहले आना है आपको डेट डिफाइन करके, उसके बाद मैं PDF पे जैसे क्लिक करूंगा तो इसका PDF जनरेट हो जाएगा। अब ये इसका PDF जनरेट हो गया, अब ये अगर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं इनको। अब ऐसी साल में एक रिपोर्ट निकलती है इनकी GSTR 9 की, इसमें क्लिक करके GSTR 9 की भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट निकलती है।